हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। टैक्स वाला बिल टैली प्राइम में कैसे बनाएं, आज की ये वीडियो इसी बात को लेकर के है। तो चलिए टैली प्राइम को ओपन करते हैं और टैक्स वाला बिल बनाना सीखते हैं। सबसे पहले टैली प्राइम का जो एजुकेशनल मोड है वो हम इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास पेड वर्जन है यानी आपने टैली का लाइसेंस वर्जन परचेस किया है तो आप उस पर बिल बना सकते हैं, काम कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है प्रोफेशनल हो, ठीक है। तो यहाँ पर एजुकेशनल मोड पे मैंने क्लिक कर दिया है और एक कंपनी हम बना लेते हैं। सारी एक्टिवेशन सारा कुछ करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे क्रिएट कंपनी पे जाके एंटर करना है और यहाँ पर माय ओन शॉप के नाम से एक कंपनी बना लेता हूँ। माय ओन शॉप SHOP, ये हो गया। ये कंपनी का नाम हमने दे दिया, एंटर करेंगे। यहाँ पर उस कंपनी का जो कि कंपनी आप बना रहे हैं, जो कि दुकान आप खोल रहे हैं, उस दुकान का लोकल एड्रेस आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये एड्रेस आ गया जहाँ पर दुकान स्थित होगी उस जगह का नाम, और यहाँ पर स्टेट कौन सा है, तो मेरा उत्तर प्रदेश है तो मैं यहाँ उत्तर प्रदेश कर देता हूँ। और यहाँ पर पिन कोड आपको डालना है, तो ये हो गया आपका पिन कोड, ठीक है। जो भी आपका पिन कोड आता है वो डाल दीजिएगा, फैक्स नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल, वेबसाइट, ये सब डालते हुए आगे बढ़िएगा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है, फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब होता है कि काम आपका कब से शुरू हो रहा है। फाइनेंशियल ईयर तो जब भी शुरू होगा तो 1 अप्रैल से ही शुरू होगा और 31 मार्च को एंड हो जाता है, ठीक है। तो कई बार बच्चे एंडिंग वाली डेट यहाँ डाल देते हैं, तो अगर आप 31 मार्च यहाँ कर देंगे यानी 31/3/2025 कर देंगे तो आपको बड़ी समस्या हो जाएगी। तब आपके में बहुत सारी दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। अब क्या क्या दिक्कतें आएंगी उसको समझते हैं, और उसको भी समझने से पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर GST को एक्टिवेट कर लेता हूँ। तो यहाँ से जाकर के आपको Y प्रेस करके एंटर करना है। जैसे एंटर करेंगे ये एक रजिस्ट्रेशन की डिटेल खुल जाएगी। यहाँ पर आपको रेगुलर रखना है या कंपोजिशन तय कर लीजिएगा, क्योंकि कंपोजिशन डीलर वो डीलर होते हैं जो हर 3 महीने पर GST फाइल करते हैं, और रेगुलर डीलर वो डीलर होते हैं जो हर महीने GST फाइल करते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर रेगुलर रख करके आगे बढ़ते हैं। अब ये GST अप्लीकेबल फ्रॉम, अगर आप यहाँ पर 1/4/2024 करते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर इस तरीके से ये हो गया, 1/4 से GST अप्लीकेबल हो गया। बाकी यहाँ पर आपका GST IN नंबर जो भी होता हो वो GST IN नंबर आ जाएगा। एंटर करेंगे, मंथली GST फाइल करेंगे, और यहाँ पे GST की डिटेल को अल्टर जरूर कर लीजिएगा, और यहाँ पे टैक्सेबल रखिएगा, टैक्स वाला बिल बनाना है। यहाँ पे 12% बाई डिफॉल्ट लगा रहा हूँ, बाई डिफॉल्ट यानी कि हमने सब पर 12% दे दिया है। बाकी अगर आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, आपको लगता है कि इस पर डिफरेंट GST आएगी, 5% GST आएगी या 10% आएगी, तो आप वो दे सकते हैं प्रोडक्ट बनाने के साथ साथ, ठीक है। और यहाँ पर जो है ईवे बिल को फिलहाल नो करता हूँ और एंटर करके, और लास्ट तक आपको एंटर 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 करते जाना है। तो बस ये आपकी कंपनी बन करके तैयार हो जाएगी, ठीक है। कंपनी तो बन करके तैयार हो गई, लेकिन अब एंट्री करनी है, तो वी बटन प्रेस करके एंट्री पास करने चलते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर दिखाई देगा आपको पेमेंट वाउचर, तो हमें पेमेंट तो करना नहीं है, हमें क्या करना है, परचेज करना है। तो परचेज के लिए F9 प्रेस करके आएंगे, और जैसे ही F9 प्रेस करके आते हैं तो यहाँ पर आपको डेट दिखेगा 31 मार्च 2025। तो अब आप इसको चेंज करना चाहेंगे तो यहाँ पे करेंगे 1/4/2024, और जैसे ही 1/4/2024 करेंगे तो ये दिक्कत आ जाएगी। अब इसी में आप परेशान रहेंगे, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा, वो फाइनेंशियल ईयर खत्म होने की डेट नहीं होती है, वो डेट होती है जिस डेट पर आपका काम शुरू होता है, ठीक है। तो उसको सही करने के लिए आप फिर एस्केप बटन प्रेस करके ESC प्रेस करके बाहर आइए, ठीक है। और बाहर आने के बाद यहाँ से आपको F3 प्रेस करना है, फंक्शन बटन F3 प्रेस कीजिएगा। यहाँ पर आपको वो सेकेंड ऑप्शन नजर आएगा, क्रिएट कंपनी, और फिर ये सेकेंड ऑप्शन है अल्टर कंपनी। अल्टर कंपनी पर आकर के इसको चेंज कर लीजिएगा, यानी 31 मार्च 2025 नहीं, काम कब से आप शुरू कर रहे हैं। मान लीजिए काम हम 2 अप्रैल से शुरू कर रहे हैं, 2/4/2024, तो यहाँ पर वो डेट आएगी, ठीक है। एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा, ठीक है, और कंट्रोल ए कर दीजिएगा तो ये भी एक्सेप्ट हो जाएगा। अब आप एंट्री बेधड़क पास कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और टैक्स बिल भी बनेगा, देखिए यहाँ पर आए, सप्लायर द्वारा दिया गया। अब हम जो सामान मंगाते हैं वो किसी सप्लायर पार्टी से मंगाते हैं, और वो सप्लायर पार्टी जो है हमें सामान देती है, तो सामान देती है तो उसका बिल भी देती है। ज्यादातर काम उधार में होता है, ठीक है, याद रखिएगा, व्यवसाय का ज्यादातर काम उधार में ही चलता है। तो उधार में जब भी होगा तो यहाँ पर नाम आएगा पार्टी का, ठीक है। तो पहले तो डेट चेंज कर लेते हैं, 2/4, क्योंकि काम हमारा 2/4 से ही शुरू हुआ है, तो 2/4/2024 करके एंटर कर लेते हैं, ठीक है। और 2 अप्रैल की डेट हो गई है, यहाँ पर भी 2/4/2024 टाइप कर देते हैं, वैसे नहीं भी करेंगे तो भी वो डेट आ ही जाएगी। अब यहाँ पर आ गए, अब यहाँ पे क्रिएट पे जाते हैं, क्रिएट पे जाकर के सुमित एंड स्टोर, सुमित एंड स्टोर करके जो है ये हमारी क्रेडिटर पार्टी है, और इसका ग्रुप क्या होगा, ग्रुप देखिएगा हमेशा सही डालिएगा। ग्रुप कब आप सही डालना सीख पाएंगे, याद करने से ग्रुप सही नहीं डाल पाएंगे आप,
ग्रुप सही डालने के लिए प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, तो प्रैक्टिस खूब करिए। तो यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर होगा, ठीक है, क्या ग्रुप होगा इसका, सन्ड्री क्रेडिटर। ये चूंकि होलसेलर पार्टी है तो सन्ड्री क्रेडिटर ही ग्रुप होगा, ठीक है, एंटर एंटर कर लीजिएगा। अभी सन्ड्री क्रेडिटर कहाँ की है, सेम स्टेट की है या अदर स्टेट की, जैसे हमारे में सेम स्टेट की है, उत्तर प्रदेश हो सकता है आपके में, मध्य प्रदेश या कुछ और हो, तो वो भी दे सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंटर करिएगा, एंटर करिएगा, इसको एक्सेप्ट करा लीजिएगा, ठीक है, फिर एंटर एंटर करके इसको भी एक्सेप्ट करा लीजिएगा, और यहाँ पर एंटर करके इसको भी एक्सेप्ट करा लीजिएगा। अब जैसे ही एक्सेप्ट कराते हैं तो यहाँ पर आपको क्या करना है, परचेज का लेजर लगाना है। तो देखिए ऊपर क्रिएट ऑप्शन आ रहा है, क्रिएट ऑप्शन पे जाके एंटर करना है और यहाँ लिख देना है परचेज अकाउंट। क्या लिख देना है, परचेज अकाउंट। टैली है 2 घंटे का खेल, अगर आप कायदे से प्रैक्टिकल समझ लेंगे तो आपको ना तो इंटरव्यूज में कोई दिक्कत होगी और ना ही आप जो है जब एंट्री करने जाएंगे, जब आप एंट्री पास करेंगे, जब आप रियल वर्क करेंगे टैली पर, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ध्यान से बस समझने की जरूरत है, यहाँ पर पी प्रेस करते हैं, परचेज अकाउंट आ जाएगा, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे और इसको एक्सेप्ट करा लेंगे, ठीक है। जब एक्सेप्ट करा लेंगे तो यहाँ पर नेम ऑफ आइटम आएगा, तो अल्ट सी करके यहाँ पर एक हम स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं। क्या क्रिएट करेंगे, लैपटॉप। यहाँ पे लिखा हमने लैपटॉप, ध्यान दीजिएगा लैपटॉप की कीमत कितनी है वो यहाँ पर हमें देनी है, तो पहले तो यहाँ लैपटॉप लिख देते हैं ठीक से, ये हो गया लैपटॉप, ठीक है। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, कई बार यूनिट नहीं बनाते हैं तो दिक्कत होती है, तो यूनिट जरूर बनाइएगा। यहाँ से क्रिएट पे जाइएगा और क्रिएट पे जाके यूनिट बनाइएगा, ये एनओएस, एनओएस माने होता है नंबर्स, और एंटर करके यहाँ पर सिंबल दे देते हैं, नंबर्स लिख देते हैं, एंटर करेंगे और यूक्यूसी कोड, यूनिट क्वांटिटी कोड इसका फुल फॉर्म होता है, और यहाँ पे एन प्रेस करते ही नंबर्स आ जाएगा, तो नंबर्स यहाँ पे लगा लीजिएगा और एंटर करके, एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा सकते हैं आप, ठीक है। ये एक्सेप्ट करा लिया, एक्सेप्ट कराने के बाद यहाँ पे क्वांटिटी डालने की जरूरत है। तो मान लीजिए कि 5 क्वांटिटी हमने मंगाई और एक लैपटॉप की खरीद रेट रही कितनी, 30,000, तो यहाँ 30,000 डाल देंगे और एंटर करेंगे, नीचे आएंगे, नीचे जैसे ही आते हैं तो यहाँ पर अब आपको टैक्सेस के लेजर लगाने हैं। मान लीजिए और कोई स्टॉक आइटम परचेज नहीं करना है, इतने ही का बिल है, तो यहाँ पे टैक्सेस के भी लेजर्स आएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले सीजीएसटी माने सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स ही क्यों, क्यों नहीं आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्यों नहीं, क्योंकि ये डिफरेंट स्टेट का मामला नहीं है, ये सेम स्टेट का मामला है, यानी हमारी क्रेडिटर पार्टी भी वहीं की है जहां की हमारी कंपनी है, इसी वजह से यहां पर सीजीएसटी लगा रहा हूं। और जब भी सीजीएसटी आएगा तो उसके साथ एसजीएसटी भी जरूर आएगा। ग्रुप क्या होगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस का ग्रुप होगा, तो ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस वाला ग्रुप लगा दीजिएगा, और यहां पर ये जीएसटी है, अदर्स में तो जाएगा नहीं, तो जीएसटी लगा करके सेंट्रल टैक्स करिएगा, और बाकी यहां कुछ भी आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है, नॉर्मल राउंडिंग करके एंटर करके एक्सेप्ट करा लेना है। तो देखिए ये टैक्स कैलकुलेट हो गया, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि जब भी सीजीएसटी आएगा तो उसके साथ साथ एसजीएसटी भी आएगा, तो यहाँ अल्ट सी करके एसजीएसटी भी बना लीजिएगा। लेकिन अगर डिफरेंट स्टेट का मामला होता तो डिफरेंट स्टेट का मामला होता तो केवल आईजीएसटी आता, ठीक है। तो ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस हो गया, यहाँ जीएसटी हो गया, और यहाँ पर स्टेट टैक्स कर दिया हमने, एंटर कर किया, और यहाँ नॉर्मल राउंडिंग एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लिया। तो अब देखेंगे 9,000 रुपए के हिसाब से सीजीएसटी और एसजीएसटी आ गया है, एंटर करेंगे, न्यू रेफरेंस डालेंगे, एंटर करेंगे, और यहाँ पर नरेशन डाल देंगे। क्या नरेशन में रहेगा, नरेशन में रहेगा द गुड्स GOODS हैव बीन परचेज्ड ऑन क्रेडिट। क्रेडिट माने उधार में परचेज किया गया, ठीक है, ये हो गया। और इस तरीके से टैक्स वाला बिल आप बना पाएंगे। अब यहां से बाहर आइए, हम देखेंगे कि हमारा बिल कैसा बना है, तो 2 बार डी प्रेस करना है। ये गेटवे ऑफ टैली है, गेटवे ऑफ टैली पर आकर के 2 बार डी प्रेस कीजिएगा, ये एंटर करिएगा तो ये बिल खुल जाएगा, जो आपने एंटर की एंट्री पास की थी वो आ जाएगा। आप ऑल्ट पी करिएगा, क्या क्या प्रेस करना है, ऑल्ट पी। आप ऑल्ट पी नहीं प्रेस कर सकते तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ प्रिंट पे क्लिक कर सकते हैं, प्रिंट पे क्लिक करके और करेंट वाला ही हमें प्रिंट करना है, और यहाँ से हम सिर्फ प्रीव्यू देखेंगे। अगर आपको प्रिंट करना है तो ये प्रिंट पे क्लिक कर सकते हैं, तो ये प्रिंट होने लगेगा। चूंकि हमारे पास प्रिंटर तो है नहीं, मैं आपको बिल का प्रीव्यू दिखा देता हूँ। ये प्रीव्यू पे क्लिक किया तो देखिए ये बिल आपका ऐसा दिखेगा, देख सकते हैं ये बिल जो है कुछ इस प्रकार से दिखेगा, ठीक है, देख लीजिए। इस तरीके से आपको जीएसटी बिल बनाना है, ठीक है, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी।